प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए जो मिशन बुनियाद में हमारा गणित बुक मिली है उसमें डे 23 के सॉल्यूशन को। इससे पहले डे 1 to 22 अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख लो। साथ में जो हिंदी कहानी की बुक मिली है उसको भी देख लो, और आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस आ गया वो भी देख सकते हो, और साथ में मिड टर्म एग्ज़ाम कब से उसकी भी डेट शीट आ गई है, ठीक है, वो भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, वस्तुओं को लोगों में बांटें और तालिका को भरें। यहाँ पर वस्तुएं में 28 कंचे हैं, लोगों की संख्या 3 है, 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक को कितना मिला, हम 28 को 3 से भाग करेंगे, तो 3 × 27 और घटाने पर आएगा 1, मतलब लोगों को मिलेगा 9 और बचा कितना, 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगला, 15 टॉफी है, 4 लोगों में बांटना है, 1, 2, 3, 4, तो 15 को 4 से आप भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12 और बचेगा 3 शेष, तो 3 यहाँ पर आएगा और 3 शेष में लिखेंगे, ठीक है। अगला, इसी प्रकार 35 फूल हैं, 3 लोगों में बांटना है, तो 35 को 3 से भाग करो, 11 बराबर मिलेगा, 2 शेष बचेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला, 1 दर्जन केला मतलब 12, 2 लोगों में बांटना है तो 12 को 2 से भाग करेंगे, 6 आएगा और शेष 0 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला, 19 बिस्कुट है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोगों में बांटेंगे तो 5 × 3 = 15, 3 सबको मिलेगा, 4 शेष बचेगा, ठीक है, इस प्रकार लिख दिया गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगला देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, समर ने 165 रुपये के 3 गुने से 18 रुपये अधिक की एक मशीन खरीदी, मतलब 165 के 3 गुने से 18 अधिक, तो 165 को हम 3 से गुणा करेंगे और उसमें 18 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कीमत का पता चलेगा, तो मशीन की कीमत कितनी आ जाएगी, 513 रुपये, और बेचा कितने में, 850 में, तो 513 में खरीदा, 850 में बेचा, मतलब फ़ायदा हो रहा है, यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर, 850 में से 513 घटा देंगे, 337 रुपये का मुनाफा उसको होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुराधा के पास 2 रुपये और 5 रुपये वाले कुछ नोट हैं जिनका मूल्य 341 रुपये है, 2 रुपये वाले नोटों की संख्या 5 रुपये वाले नोटों की संख्या से 20 अधिक है, तो माना 5 की नोट की संख्या बराबर x है, तो 2 रुपये की नोट की संख्या 20 अधिक है, x प्लस 20 हो गया, ठीक है। तो प्रश्नानुसार 5 रुपये की नोट को x माना है, तो 5 × x 5x हो जाएगा, और x प्लस 20 2 की नोट है, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, 5 वाली नोट को x को 5 से गुणा करेंगे 5x, और x प्लस 20 को भी 2 से गुणा करेंगे 2 की नोट को, ओके, बराबर होगा 341 के, 5x प्लस ब्रेकेट तोड़ो, 2 को x किया 2x, फिर 2 को 20 से करो 40, बराबर 341, 5x में 2x मिला दो, 7x बराबर 341 प्लस 40 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 7x बराबर 301 घटाने पर आएगा, x बराबर 301 बटे में 7 भाग करेंगे आएगा 43, ठीक है। अब ध्यान से देखो 43 आ गया, अतः 5 की नोट की संख्या x माना है, तो x का मान आ गया कितना, 43 हो जाएगा, तथा 2 की नोट की संख्या 63 यानी 63 कैसे आया, देखो ध्यान से, नोट की संख्या x प्लस 20, तो x प्लस 20 x का मान कितना है, 43, और प्लस 20 कर दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा 63, तो यहाँ डायरेक्ट मैंने लिखा है 63, ठीक है, तो यह आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4, एक साइकिल 1700 रुपये में खरीदी गई, उस पर 250 रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ, तो साइकिल का कुल मूल्य हम निकालेंगे, 1700 में खरीदी गई, 250 रुपये का अतिरिक्त खर्च, दोनों को जोड़ेंगे 1950 हो गया, किसी कारण से उसे 375 रुपये की हानि पर बेचना पड़ा, हानि 375 की हुई, बताएं साइकिल कितने रुपये में बेची गई, तो बिक्री मूल्य बराबर हम 1950 में से 375 घटा देंगे, आंसर मिलेगा 1575 में, ठीक है। इसी के साथ ये डे कंप्लीट हुआ, कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।